Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू में सीख रहे हैं. Students, आज के लेसन में मैं आपको लाइन को एक्सिस के ऊपर लगाने का मेथड बताऊंगा. बेसिकली जब हम AutoCAD के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लाइन को एक्सिस के अंदर लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज होती हैं. एक वैल्यू हमारे पास x की होती है, दूसरी हमारे पास y की होती है. x और y यानी कि दो चीजें, x और y यानी कि दो ऑब्जेक्ट है x y. तो जब आपके पास x y दो ऑब्जेक्ट होंगे, ये दोनों कहलाते हैं 2D, टू डायमेंशन. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें x और y की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 2D कहलाएगा. लेकिन जब हम अपने एडवांस लेसन के ऊपर जाएंगे, आगे की तरफ निकलेंगे, हमारे पास आ जाएगा x, y एंड z. जब x, y एंड z आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हम उसको 3D कहलाएंगे, हम उसको 3D कहेंगे. तो AutoCAD बेस करता है दो चीजों पे, 2D प्लस 3D. 2 और d से क्या बनता है, टू डायमेंशन. 3 और d से क्या बनता है, 3 डायमेंशन. तो ये चीजें हमने क्लियर करनी है आज के लेसन के ऊपर. तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. मैं अपने पास अपने AutoCAD को ओपन कर देता हूं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पास अपना AutoCAD ओपन कर दिया है. अब अगर आप यहां पे देखें, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक चीज आती है UCS आइकन. ये हमारे पास UCS आइकन है. ये देखें, ये जब आप नॉर्मली जब ड्राइंग को आप ओपन करेंगे, ये आपके पास इधर बिल्कुल एंड में होगा. लेकिन जैसे आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, ये आपके साथ दाएं बाएं मूव करता जाता है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं अपनी जगह पर लॉक कैसे करूंगा हमेशा के लिए. यानी कि जब भी मैं अपने पास ये ड्राइंग ओपन करूं, जिसको मैं अभी सेव कर दूंगा, तो जब भी मेरे पास UCS आइकन हो, तो मैं ये चाहता हूं ये इधर हो अपनी जगह पर, ये मूव ना करे. तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझको व्यू के अंदर जाना है, डिस्प्ले के अंदर जाना है, UCS आइकन और ओरिजिन पर क्लिक कर देंगे. जैसे डियर स्टूडेंट्स आप ओरिजिन पर क्लिक कर देंगे, तो ये अपनी जगह पर चला जाएगा. वापस आप व्यू के अंदर आ जाएं, डिस्प्ले के अंदर आ जाएं, UCS आइकन पे आ जाएं, ओरिजिन को ऑफ कर दें, तो फिर ये आपके पास दाएं बाएं घूमने लग जाएगा. तो वापस डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर ही गया, डिस्प्ले, UCS आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर देता हूं. अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए फिर आपको ऑन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें. अब ये क्या हुआ, ऑफ हो चुका है. वापस आप डिस्प्ले के अंदर चले जाएं, ऑन को एक्टिव कर दें, चेक कर दें, तो ये हमेशा आपके पास फिर सामने नजर आपको आएगा. तो अब यहां पर देखें, यहां पर बाय डिफॉल्ट आपके पास दो चीजें हैं, एक्स और वाई. तो ये आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है. अब यहां पर देखें, मैंने आपके लिए एक पिक्चर रेडी की है. यहां पर बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका जो ऑरेंज एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका मिडल पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर आप क्लिक करोगे अपनी लाइन का. क्लिक कर देने के बाद आपको डिसाइड लेना होता है, आपको लाइन एक्स के ऊपर ड्रॉ करनी है या वाई के ऊपर ड्रॉ करनी है. बेसिकली मेरे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू मेरे पास एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू मेरे पास वाई की होती है. जब हम प्रैक्टिकली कोई भी काम करते हैं, तो हमारे पास दो वैल्यूज निकलकर हमारे सामने आती हैं. मिसाल के तौर पे मैं कोई अपने पास रूम बना रहा हूं, तो उसकी मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी. जैसे मेरे पास हो सकता है वो लेट्स से 15 फिट्स, और मेरे पास हो सकता है वो 14 फिट्स. अब डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये होती है, ये जो 15 फिट्स आपके पास, ये आपके पास क्या दाएं से बाएं की वैल्यू है या ऊपर से नीचे की वैल्यू है? जो 14 फिट्स है, क्या ये ऊपर से नीचे की वैल्यू है या ये दाएं की बाएं की वैल्यू है? अब इस चीज का डिसाइड जब तक आपको नहीं हो पाएगा, तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर सकते हैं. याद रखिएगा, हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है x में होती है, हमेशा ये पहली वैल्यू हमारी x कहलाती है. तो मैं यहां पर इसे दे देता हूं, मैंने इसको, ये मैंने x दे दिया. देन हमारे पास जो दूसरी वैल्यू होती है हमारी, वो हमारे पास होती है y की वैल्यू होती है. यानी कि आपके पास आपकी पहली वैल्यू हमेशा x की वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा आपकी y की वैल्यू होगी. अब AutoCAD के अंदर जो इसका फार्मूला बनता है वो क्या होता है, एट द रेट जब आप कोई पहली वैल्यू देते हो, मिसाल के तौर पर मैं इसको भी 0 कह देता हूं, आपका जो पहली वैल्यू होगी वो आपके पास इक्वल टू होती है x के.
फिर आप इसके अंदर कामा डाल देते हो। जब आप कामा डाल देंगे, जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपकी होती है वाई के, यानी कि पहली वैल्यू आपकी एक्स के ऊपर होगी, दूसरी वैल्यू आपके पास आपके वाई की जानब निकलेगी। एक्स जो मूव करता है वो हमेशा आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, वाई जो मूव करेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा मूव करेगा। तो ये आपके पास है, पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है। अब यहां पर एक और चीज ये समझ लेंगे आप, जब आप एक लाइन ले लेते हो, आपने इसको एक पॉइंट दिया, अब देखें लाइन को जब आप कोई वैल्यू दे देते हो, मिसाल के तौर पर मैंने इसको एफ एट कर दिया, मैं इसको कहता हूं 12, जैसे मैं सेंटर कर दूंगा देखिए लाइन मेरी एक टाइम पे एक तरफ जाएगी, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मैं जब 12 दूं मेरे पास ये 12 इस तरफ को भी निकले और साथ नहीं इसी पॉइंट से ऊपर की जानब निकल जाए। तो क्या आपके पास ऐसा कभी हो पाएगा यहां से ऊपर की तरफ ये शेप निकलेगी? तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इस तरह से अगर आप इधर लाइन लगाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा खुद बखुद ये लाइन नीचे आ जाए, यानी कि आपको चार मरतबा लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर इधर ऊपर नीचे, फिर आपका ऑब्जेक्ट परफेक्ट ड्रॉ होगा। तो ये चीज यहां पर है, आपके पास पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है, लेकिन जब आप फॉर्मूला से देने जा रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर आपको एक्स की पर वैल्यू चाहिए तो फिर आप इसे दोगे एट द रेट, आप एक्स को वैल्यू दे देते हो और वाई को फिर आपको जीरो करना मस्ट है, यानी कि एक चीज को आप वैल्यू दोगे, एक को आप जीरो करोगे। अगर आप दोनों को वैल्यू दे देंगे ना तो वो शेप एक्स पे जाएगी ना तो वो वाई पे जाएगी, वो मिडिल पे चली जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पर ये लाइन ली है, मैंने इसको पॉइंट दिया, मैंने कहा एट द रेट मैं कहता हूं 3 और 4, जैसे मैं सेंटर कर देता हूं, देखें अब ना तो ये एक्स पर गई है ना तो वाई पे गई, ये किसी एंगल पर चली गई ये लाइन, लेकिन इसकी हम क्योंकि हमें हमारी ये चीज रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें एक्स या वाई के पर जाना है। तो जब आपको एक्स के पर जाना है तो फिर आप क्या कर देते हो, आप अपने पास एट द रेट, आपने लाइन ली, आप कहते हो मुझे 12 की लाइन चाहिए और वाई को आप जीरो कर देंगे। अब जैसे आप इसे एंटर कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास एक्स पर आपकी लाइन ड्रॉ होकर आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह से वापस मैं इसी जगह पर आ गया, यही फॉर्मूला में सेम टू सेम टाइप करूंगा, जस्ट मैं इसके साथ माइनस जब मेंशन कर देता हूं। तो देखें जब आपके पास किसी चीज के साथ माइनस आ जाएगा, ये आपके पास बेस पॉइंट था तो ये पीछे की तरफ निकलेगा, क्योंकि आपके पास एक्स क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। आप इधर आ जाएंगे, आप वापस इसे जैसे एंटर कर देंगे तो ये आपको पीछे की जानब लेकर चला जाएगा। इसी तरह से जो आपके पास आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो क्या है, एट द रेट आप कहते हो एक्स को आप जीरो कर देंगे, यहां पे आप जब आप इधर एक्स को जीरो कर देते हो, मैंने इसको एक्स को जीरो कर दिया और अब मैं वाई को यहां पर वैल्यू दे देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स के ऊपर आप कोई भी डियर स्टूडेंट फंक्शन ना करें, वाई के ऊपर आप करोगे। अब जब आप इधर फार्मूला दोगे यहां पे एट द रेट, आप एक्स को जीरो कर दो और आप वाई को वैल्यू दे देते हो, जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं, मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो लाइन मेरी किधर होगी, ऊपर की जानिब निकलकर चली गई है। वापस अपनी लाइन को आप इधर क्लिक कर दें, वापस मैं इसे कहता हूं एट द रेट मुझे एक्स की पर वैल्यू नहीं चाहिए लेकिन वाई की पर मुझे -12 की चाहिए, तो ये फिर आपको नीचे की तरफ लेकर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वाई और माइनस वाई। तो फॉर्मूला आपके सामने है, अगर आप इन्हीं वैल्यूज की अपोजिट वैल्यू लेना चाहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पर जस्ट इनके साथ आप माइनस लगा देंगे, आप माइनस लगाने से क्या होगा, ये वैल्यू आपके बिल्कुल अपोजिट निकल आएंगे, यानी कि जो चीज आप दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहे हो उसके साथ फिर आपको माइनस देना जरूरी होता है। अब मैं यहां पर वापस एक लाइन ले लेता हूं, मैं एक बॉक्स शेप बना लेता हूं एट द रेट, मैंने कहा मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो है 2 फीट, और अब सॉरी सबसे पहला काम क्या होता है ऑटोकैड के अंदर, यूनिट्स अपने सेटअप्स कर लिया करें, क्योंकि मैं फिर सोरेंज के अंदर काम करना चाह रहा हूं इंजीनियरिंग, फिर मैंने डी एंटर कर दिया, मैं मॉडिफाइड के अंदर आ चुका हूं इंजीनियरिंग, फिर सोरेंज ओके और क्लोज कर दूंगा। मैंने एक लाइन ले ली है शिफ्ट एट द रेट, मैं कहता हूं मुझे 2 फीट की लाइन चाहिए और वाई के ऊपर कुछ नहीं चाहिए, मैं सेंटर कर देता हूं, फिर मैंने कहा एट द रेट, अब मैं एक्स के ऊपर कुछ नहीं लेता हूं, मैं वाई के ऊपर वैल्यू ले लेता हूं, फिर मैं कहूंगा एट द रेट मैं अब इसे -2 फीट दे देता हूं और वाई को जीरो कर देता हूं। इस तरह से आपको नीचे की तरफ आना है, x को जीरो कर दें और y को -2 फीट आप दे देंगे वैल्यू, x को -2 फीट वैल्यू दे देंगे, तो क्या होगा आपके पास आपका एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। तो ये आपके पास x और y के ऊपर रहकर आपको बनाना होता है ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली इस फॉर्मूले का मकसद जो है, एक तो जब हम 3D के अंदर जाएंगे वहां पर ये हमारी बहुत हेल्प करेगा,
दूसरा मैं आपको जो मेन चीज आपको बताना चाह रहा था, जब हमारे पास दो वैल्यू ड्रॉ होती है लिखी होती हैं, 14 ज़रब 15, 15 ज़रब 14, तो पहली वैल्यू हमेशा एक्स की है, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की है। एक्स मूव करता है आपका हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, वाई मूव करेगा अप टू डाउन मूव करेगा आपके पास। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो मैंने आपको एक चीज बतानी थी, वो मैंने एक्स और वाई का आपको यूज बताना था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इसे ठीक तरह से क्लियर कर नहीं पाएंगे। तो साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए और डिटेल्स के लिए और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाएगी, और इसकी सॉफ्ट कॉपी आप ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे देख सकेंगे, जो मैं आपको उसके अंदर एक सीरियल नंबर दूंगा। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं 03439017779। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।